and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम बिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बिहार की राजनीति में सियासी उथल-पुथल मचा हुआ है। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, लेकिन पलटी मारकर एक बार फिर से एनडीए में आ गए हैं। लेकिन एनडीए में आने के साथ ही जो एनडीए के और भी अलायंस हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को टेंशन दे रहे हैं। जैसे जीतारा मांझी की बात कर ले, वो लगातार टेंशन देते नजर आ रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान भी बोलते नजर आते हैं कि भाई नीतीश कुमार का नीतिगत विरोध जो है वो खत्म नहीं होगा, अगर हमारी बात को नहीं मानते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। इस कड़ी में नीतीश और अमित शाह की मुश्किल खड़ी करेंगे चिराग पासवान, और 5 सीटों को लेकर खेल बिगाड़ने का प्लान जो है वो शुरू कर दिए हैं। दरअसल बात करें तो गठबंधन में अपनी जीती हुई लोकसभा सीटों को लेकर संशय में फंसी लोजपा रामविलास पासवान नई सीटों की तलाश में जुट गई है। इनमें से 2019 में जीती हुई 6 सीटें शामिल है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने 11 संसदीय क्षेत्रों में पार्टी की संभावना तलाशने का निर्देश राज्य इकाई को दे दिया था। इस आधार पर 11 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि ये प्रभारी समग्रता में आकलन करेंगे कि अगर इन सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उनकी जीत की संभावना क्या हो सकती है। 11 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया है। जी हाँ, बात करें तो प्रभारियों की इस तरह से हाजीपुर में अरविंद कुमार सिंह को, जमुई में अमरनाथ सिंह उर्फ अमर कुशवाहा को, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा, गोपालगंज, सीतामढ़ी और वाल्मीकि नगर, बेगूसराय, जहानाबाद में जो है प्रभारी जो है लोकसभा के लिए उसको नियुक्त कर दिया गया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने बताया कि सभी प्रभारी अपने क्षेत्रों के लिए प्रस्थान कर गए हैं। गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर और जहानाबाद की लोकसभा सीटें अभी जनता दल यूनाइटेड के पास है। बेगूसराय के सांसद भाजपा के गिरिराज सिंह हैं। मालूम हो कि लोजपा के दोनों गुटों का विवाद अभी सुलझ नहीं पाया है। पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए अड़े हैं। चिराग के खेमे से जुड़े पूर्व सांसद अरुण कुमार जहानाबाद और नवादे के लिए तैयारी कर रहे हैं और वे जहानाबाद के सांसद रह चुके हैं। बाकी जिस तरीके से 11 सीटों को लेकर चिराग पासवान ने नया गेम शुरू किया है, इससे नीतीश कुमार और अमित शाह की भी बड़ी मुश्किलें पड़ सकती है। और अगर चिराग पासवान की बातों को नहीं माना जाता है तो इन 11 सीटों पर एक बड़ी आफत जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जिस तरीके से चिराग पासवान ने नई रणनीति बनाया है इसको लेकर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।